एक लड़का जिसके अंदर एक दूसरे आदमी की मेमोरी डाली जाती है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें शंकर का बचपन दिखाया जाता है। वो अपनी माँ से काफी प्यार करता था। उसके पापा उसे छोड़ के चले गए थे, उसकी माँ ने उसे पाला था। वो अपनी माँ के बर्थडे पर मजदूरी करके उनके लिए चूड़ियां लाता है। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा शंकर को राजा बन के रहने के लिए कहती है उनके जाने के बाद भी। और हमें इसके बाद बिग बुल नाम का एक बड़ा माफिया दिखता है जिसके आगे कोई भी गैंगस्टर टिक नहीं पाता था। लेकिन उसे ब्रेन ट्यूमर होता है जिसकी वजह से वो 3 महीने में मरने वाला था। उसके पास काफी पैसे थे, वो जिंदा रहना चाहता था। वो कहता है मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे अभी कई चीजें करनी है। तब एक साइंटिस्ट उसे एक इलीगल एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देता है जिसमें वो बिग बुल की मेमोरी किसी और बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। बिग बुल तैयार था, उसके पास काफी पैसे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था, कई लोग मर रहे थे। साइंटिस्ट आइडिया देता है शंकर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके सर पे पहले से ही चिप लगी हुई है, बस मेमोरी ट्रांसफर करना है। बिग बुल तैयार होता है, अपने लोगों को भेजता है शंकर को लाने के लिए। रॉ वाले बिग बुल को पकड़ना चाहते थे हर हालत में। दूसरी तरफ शंकर बिग बुल के पैसे चोरी करता है, वो बिग बुल के लोगों को मारता है क्योंकि उसे बिग बुल को इंडिया बुला के मारना था। उसकी बॉडी में अभी भी पुरानी चिप लगी थी। वो उसके साथ ही मजे में घूमता था। उसे जन्नत नाम की लड़की से प्यार होता है। जन्नत बिग बुल के कैसीनो में सिक्योरिटी का काम करती थी। शंकर उससे बहुत फ्लर्ट करता है। बिग बुल की गर्लफ्रेंड शंकर को पकड़ने आते हैं, लेकिन शंकर को बेहोश नहीं कर पाती। बाद में शंकर चोर बन के आता है चोरी करने बिग बुल के पैसे, लेकिन जन्नत उसे रोकती है। तभी शंकर नहीं रुकता, उल्टा वो जाते जाते जन्नत को किस करता है जिसकी वजह से जन्नत को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जन्नत चोर को गालियां देती है। शंकर उसे सच नहीं बताता, वो उसके साथ दिन रात प्लॉट करता है। बाद में बिग बुल की गर्लफ्रेंड शंकर को रिझाने आती है, वो उसे अट्रैक्ट करके ले जाना चाहती थी, लेकिन शंकर इतना बेवकूफ नहीं था। बिग बुल की गर्लफ्रेंड गुस्से में सारे गुंडों को 1 करोड़ ऑफर करती है जो भी शंकर को लेकर आएगा, लेकिन शंकर अकेले ही सारे लोगों को मार देता है। बिग बुल के पास टाइम कम था, इसलिए वो खुद इंडिया आने का डिसाइड करता है और शंकर बिग बुल के अड्डे पे चोरी करने जाता है। लेकिन वो जन्नत को भी चोरी करते हुए देखता है, वो खुश हो जाता है। वो अपना मास्क निकालता है, जन्नत का भी निकलवाता है और शंकर कहता है अरे हम दोनों ही चोर हैं, हम दोनों की जोड़ी मस्त रहेगी। जन्नत मान जाती है, वो भी शंकर को पसंद करती थी। और बाद में वो दोनों ट्रैकर की मदद से बिग बुल का काफी पैसा चोरी करते हैं और काफी मौत से उड़ाते हैं। लेकिन बिग बुल के आदमी जन्नत के ऊपर गन पॉइंट करके शंकर को लैब लेकर आई जाते हैं। और फिर बिग बुल वहां पे आता है, शंकर से देख के और गुस्सा होता है क्योंकि शंकर की माँ को बिग बुल ने ही मारा था। तभी वो उसे ढूंढ रहा था। बिग बुल कहता है अब तेरी बॉडी मैं लेने वाला हूँ, ये बॉडी मेरी होगी और मैं हमेशा के लिए अमर होके रहूंगा और तेरी पूरी मेमोरी चली जाएगी। शंकर गुस्से में कहता है उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। बिग बुल हंसता है और शंकर को बेहोश करके मेमोरी डाली जाती है, लेकिन पूरी मेमोरी ट्रांसफर होने में 4 दिन लगेंगे और बिग बुल खुश होता है। बाद में रॉ ऑफिसर वहां आते हैं, बिग बुल जा चुका था, रॉ ऑफिसर शंकर को जानता था। वो उसे देख के हैरान होता है और जब रॉ ऑफिसर शंकर को उठाता है, शंकर पहले ही रॉ ऑफिसर को मार देता है और वहां से वो भागता है। लेकिन बिग बुल उसे पकड़ लेता है, वो उसे मारता है। बिग बुल बहुत ताकतवर था, लेकिन शंकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान खतरे में डाल के भाग जाता है। बिग बुल परेशान होता है क्योंकि शंकर के पास उसकी मेमोरीज थी, वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। वो जल्द से जल्द शंकर को ढूंढना चाहता था। शंकर जन्नत के पास जाता है, वो परेशान था क्योंकि उसे शौक लग रहे थे, उसकी मेमोरी कभी भी जा सकती थी। वो भूलने से पहले जन्नत को बताता है कि मेरी माँ बिग बुल के घर में मेड का काम करती थी, बिग बुल गलत काम कर रहा था, उसके पापा परेशान होकर पुलिस को फोन करते हैं इसलिए बिग बुल ने अपने बाप को मार दिया था, और शंकर की माँ ने ये देख लिया था इसलिए बिग बुल उन्हें भी मार देता है। वो शंकर को भी मारता है, लेकिन शंकर बच गया था। शंकर की गर्लफ्रेंड डर के मारे रॉ ऑफिसर को बताती है ताकि रॉ वाले शंकर की मदद कर सके। जन्नत शंकर को संभाल रही थी, तभी बिग बुल का ब्रेन एक्टिवेट होता है, वो अपने हक को इस बॉडी में देख के खुश होता है। बाद में सीबीआई वाले आते हैं, बिग बुल से उसका प्लान पूछते हैं कि वो जिंदा रहना क्यों चाहता है। बिग बुल नहीं बताता क्योंकि उसे पता था शंकर की बॉडी में कोई उसका कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन सर पे लगने की वजह से वो वापस शंकर बनता है। दूसरी तरफ बिग बुल जन्नत का किडनैप करता है और उसे शंकर की लोकेशन पूछता है। उसे ये भी सच पता चल गया था कि जन्नत सीक्रेट एजेंट है जो बिग बुल के काले पैसे पकड़ने में लगी थी। रॉ वाले शंकर को याद करने के लिए कहते हैं बिग बुल की मेमोरी से। शंकर बिग बुल की मेमोरी से उसका अकाउंट पता लगा लेता है और उसके अकाउंट में 124 बिलियन थे। शंकर पासवर्ड चेंज करता है, बिग बुल को फोन करता है, बिग बुल उसे मिलने की लोकेशन देता है। शंकर रॉ ऑफिसर के साथ जाता है बिग बुल को मारने, लेकिन सिर पे वापस चोट लगने की वजह से बिग बुल वापस एक्टिवेट हो जाता है और
बिग बुल शंकर की बॉडी वाले बिग बुल से अपने भाई की तरह मिलता है। बिग बुल चेक करने के लिए उसे सवाल पूछता है उसका मेन ड्रीम गोल के बारे में। छोटा बिग बुल बताता है कि वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का बंटवारा करना चाहता है और वो एक साउथ का नया देश बनाना चाहता है। जब देश पूरा बर्बाद होगा तब गन्स और ड्रग्स बेच के वो एंजॉय करेगा। बिग बुल लोगो पैसों और हथियार सप्लाई करवा रहा था। अभी बिग बुल को यकीन हो जाता है, दोनों बिग बुल काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन जन्नत शंकर के सर पे मार के उसे वापस अपने साथ ले जाती है। लेकिन बड़ी जल्दी ही छोटा बिग बुल वापस एक्टिवेट होता है। वो पुलिस स्टेशन में मजे में बैठा था। रॉ ऑफिसर शंकर को एक्टिवेट करने के लिए एक पुलिस वाले से पागल लेडी को पिटवाता है जिसका नाम शंकर की माँ पे था, वो कैदी थी। और शंकर अपनी माँ का नाम सुनते ही वापस बॉडी के कंट्रोल में आता है और वो उस लेडी को बचाता है, उसे अपनी माँ बनाता है और वो उसे हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद छोटा बिग बुल वापस आता है। वो बिग बुल को फोन करता है और जल्दी उसके पास जाता है हथियार सप्लाई करने के लिए। लेकिन वो लेडी उसका पीछा करती है क्योंकि शंकर ने मना करा था उसे ना भूलने के लिए। जन्नत भी जाती है और छोटा बिग बुल पासवर्ड बताता है कि शंकर ने क्या रखा होगा। वहां रॉ ऑफिसर आते हैं, शंकर और बिग बुल दोनों लड़ते हैं। जन्नत बिग बुल के सारे पैसे आरबीआई के अकाउंट में डाल देती है। बिग बुल गुस्से में जन्नत मरवाना चाहता था। रॉ ऑफिसर घायल था, वो तब भी हंस रहा था। वो असली सच बताता है कि शंकर ने तुझे यहाँ बुलवाया है। शंकर ने अपने आदमी और डॉक्टर के जरिए बिग बुल को झूठ बोला था कि उसे ट्यूमर है ताकि वो इंडिया आए। शंकर ने रॉ के साथ मिलकर ये पूरा गेम खेला था। बिग बुल को गुस्सा आता है लेकिन वो खुश भी था क्योंकि अब वो मरने वाला नहीं था। अब वो छोटे बिग बुल को मारना चाहता था। छोटे बिग बुल को कोई भी दिक्कत नहीं थी लेकिन वो लेडी बीच में आती है जिसकी वजह से शंकर वापस बॉडी पे कंट्रोल लेता है और अब वो बिग बुल को मारना चाहता था। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लास्ट में शंकर उसे मार देता है। लेकिन बिग बुल की मेमोरी उसी के पास थी। लेकिन शंकर कहता है साइंटिस्ट ने मेरी मेमोरी का बैकअप ले रखा था, मैं वापस वही शंकर बन जाऊंगा और ये मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। अब मैं अगर बात करूं राम प्रोतनी की एक्टिंग की तो वो पिछले पार्ट की तरह काफी बढ़िया थी। इस पार्ट में भी आपको शंकर के कैरेक्टर काफी पसंद आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं मूवी के स्क्रीन प्ले की तो उसे और एंगेजिंग बनाया जा सकता था। मूवी में इमोशंस की और लॉजिक्स की काफी कमी थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप मूवी देख के समझ गए होंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं संजय सर की एक्टिंग की तो भाई उसे क्या ही कहने। और हाँ, मूवी का क्लाइमेक्स उसे काफी अच्छा किया जा सकता था अगर उसे थोड़ा और ड्यूरेशन में खींचते तो। इसके बाद मेरा राइटर से बस एक ही सवाल है कि अली सर जैसे लेजेंडरी कॉमेडियन का ऐसा रोल जो कि मेन स्टोरीलाइन से कहीं कनेक्ट ही नहीं होता, ये बिल्कुल इरेलेवेंट है। और हाँ, अगर अब मैं पूरी ओवरऑल बात करूं तो अगर आपको पहला पार्ट इस मूवी का पसंद आया तो आपको ये पार्ट भी एंटरटेनिंग लगने वाला है। और हाँ, ये मूवी एक वन टाइम वॉच है। अगर आप राम प्रोतनिधि की अच्छी एक्टिंग देखना चाहते हैं तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए।